हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चोले की फली की बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सब्ज़ी। इसके लिए मैंने ये चोले लिए हैं, लगभग आधा किलो चोले की फली ली है। इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है और धोकर बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये बिल्कुल कच्ची फली थी इसलिए मैंने इसको कट कर लिया। पक्की हो तो उसकी बीज निकाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। इसके लिए मैंने ये काकड़ी ली है, बड़ी वाली काकड़ी, उसको मैंने ऊपर से छिलका उतार दिया है और बीज भी अंदर से निकाल दिए, बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया। ये मैंने दो छोटी काचरी जिसको कद्दूकस कर लिया है, दो हरी मिर्च जिसको कट कर लिया है, ये मैंने दो प्याज जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, एक टमाटर जिसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है, और ये मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। तो चलिए सब्ज़ी बनाना करते हैं स्टार्ट। ये ऑयल है, सरसों का ऑयल, तो मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। इसके ऊपर कढ़ाई रख दी, कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुकी है। इसके अंदर हमने एक बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया, ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, उसके अंदर हम रायदाना या फिर जीरा डाल सकते हो। मैंने रायदाना डाला है, रायदाना बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो गया। उसके बाद में प्याज डाल दिए, प्याज भी मेरे अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्ची डाल दूँगी, हरी मिर्ची भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। प्याज और हरी मिर्ची बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन का पेस्ट, और लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से कर देंगे मिक्स। लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने चोले की फली ली थी कट करके वो डाल देंगे, और उसको भी अच्छे से फ्राई होने देते हैं। लगभग 2 मिनट तक इसको हमें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है अगर आप फ्राई करके बनाओगे तो। उसके बाद में हम डाल देंगे इसके अंदर काकड़ी, तो ये मैंने काकड़ी लिया है और ये इसके अंदर डाल दिया है। बहुत ही खट्टी चटनी बनेगी, सब्ज़ी बनेगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। आप एक बार ज़रूर बनाए खाएं। ये सभी चीज़ें बाजार में भी अवेलेबल मिल जाती हैं, और अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको ज़रूर खेतों में मिल जाएगी। उसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर काचरी का पेस्ट जो हमने कद्दूकस करके रखा था, इससे इसका स्वाद दुगुना बढ़ जाएगा। तो ये देखिए हमने सबको मिक्स कर दिया। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर, टमाटर को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही अनोखी टाइप से सब्ज़ी है ये, और बहुत ही अनोखी स्वादिष्ट भी बनेगी। और अब हम डालेंगे ये कुछ सूखे मसाले, तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक, अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से। अब हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे सब्ज़ी के अंदर, एक अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए हल्दी और नमक को हमें पहले डालना चाहिए। और अब हम डालेंगे इसके अंदर एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, धनिया पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर को भी हमें कर देना है मिक्स। तो ये देखिए हमने सभी मसालों को अच्छे से कर दिया है मिक्स। बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनकर रेडी होने वाली है। इसके कलर से पता चलता है कि हमारी सब्ज़ी कितनी स्वादिष्ट बनेगी, ये देखिए। तो अब हमने सभी मसालों को मिक्स कर दिया। इसके अंदर हम लगभग आधा छोटा गिलास पानी डाल देंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो चिपके नहीं, और ये चोले की फली है थोड़ी टाइट होती है तो ये भी आसानी से सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, ढक्कन को 2 मिनट बाद में देखते हैं। तो हमारी सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल घुल चुकी है आप देख सकते हो, और जो फली और जो काचरी है वो बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है तैयार। तो ये देखिए हम खाने के लिए इसको अलग बर्तन में निकाल कर सर्व करते हैं। तो हमारी आज की ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुई, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें खाएं और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।